नमस्कार दोस्तों, ये सूर्योदय आपके जीवन में लाखों खुशियां और समृद्धि लाए, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल लर्निंग संस्कृत बाय वंदनी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत के प्रथम श्लोक की, उसके रचयिता की। तो आइए जानते हैं कौन सा है संस्कृत का प्रथम श्लोक। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमागमः शाश्वतिः समा यत् क्रौञ्च मिथुनात् एकम् अवधिः काममोहितम्। यह प्रसिद्ध श्लोक के रचयिता संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार कवि शिरोमणि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि होने से महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य का स्थान प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने में महर्षि वाल्मीकि के रामायण का अत्यंत अप्रतिम सहयोग है। महर्षि वाल्मीकि का प्रकट दिवस अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि महर्षि कश्यप और अदिति के नौवे पुत्र प्रचेता की संतान है। उनकी माता का नाम चक्षिणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में एक भिल्लनी इन्हें चुरा ले गई थी, जिस वजह से इनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। बचपन में उनका नाम रत्नाकर था और वे कुख्यात डाकू थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूट के इरादे से नारद जी को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म जो तुम कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? इस सवाल के जवाब में रत्नाकर ने कहा, यह सब मैं अपने स्वजनों के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उन्हें कहा कि यह पाप कर्म जो तुम कर रहे हो, इसका फल भुगतने के लिए भी क्या वे तैयार हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सहयोगी बनने में? रत्नाकर ने बिना कुछ सोचे ही हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा, एक बार अपने परिवार वालों से पूछ तो लो कि क्या वे सहयोग देंगे, फिर तुम्हारा अपना सारा धन आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर उसी वक्त अपने एक एक स्वजन के पास जाकर सभी से अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। सबने अपने अपने तर्क दे दिए। पत्नी ने कहा, तुम मेरे भर्ता हो, तुम्हारा काम है मेरा तथा परिवार का पालन करना, तुम किस तरह से कमाते हो यह मेरे सोचने का कार्य नहीं है, अतः जो भी पाप या पुण्य तुम कमाते हो उसके तुम स्वयं हकदार हो, मैं नहीं। यह सब बातें रत्नाकर को बहुत दुखी करने वाली थी, उन्हें आघात भी लगा और इसी घटना से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्मों का त्याग कर दिया और कठिन तपस्या में लीन हो गए और तभी उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ। जब पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हुआ, तब नारद जी ने उन्हें नाम राम को जपने की सलाह दी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर नाम राम जाप करने लगे, लेकिन गलती से मरा मरा मुंह से निकलने लगा। इसी कारण उनका देह दुर्बल होता गया, उनके शरीर पर चीटियां रेंगने लगी। यह सब उनके पूर्व समय के पाप कर्मों का भुगतान था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य मुनि भरद्वाज के साथ स्नान नित्य कर्म आदि के लिए तमसा नदी की ओर जा रहे थे। नदी के शुद्ध और निर्मल जल को देख उन्होंने वहीं स्नान करने का निश्चय किया, किंतु तभी उनकी नजर एक प्रणय क्रिया में लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े की तरफ पड़ी। पक्षी प्रसन्न युगल को देख कर महर्षि भी प्रसन्न हुए। तभी कहीं से अचानक एक बाण आकर नर पक्षी को लगा और नर पक्षी चित्कार करते हुए तड़पते हुए वृक्ष से गिर गया।
मादा पक्षी इस शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर मुनि हतप्रभ रह गए और तभी उस स्थान पर उस बहेलिए को दौड़ते हुए आता देखा जिसने उस पक्षी पर बाण चलाया था। इस दुखद घटना से क्षुब्ध होकर महर्षि के मुख से अनायास ही बहेलिए के लिए एक श्राप निकल गया और वह श्राप जो संस्कृत में बोला गया वह इस प्रकार था, मां निषाद प्रतिष्ठां तुमा गमः शश्वतीं समः यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिः काममोहितम्। अर्थात हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या की है। श्राप देने के बाद ऋषि वाल्मीकि विचार मग्न हो गए क्योंकि यह छंदबद्ध वाक्य उनके मुंह से अनायास ही निकला था। यह बात उन्होंने मुनि भरद्वाज को भी बताई कि मेरे मुख से यह छंदबद्ध वाक्य क्यों निकला। यह वाक्य 8 अक्षरों के 4 चरणों से मिलकर बना है। मैं इस छंदबद्ध वाक्य को श्लोक का नाम देता हूँ। श्लोक की उत्पत्ति तो किसी काव्य रचना का आधार होना चाहिए, पर मेरे पास लिखने को तो कोई विषय ही नहीं। यही विचार मंथन करते हुए वे आश्रम लौट आए। जब वे ध्यान मुद्रा में बैठे तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा ने उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाई गई श्री राम कथा का स्मरण करवाया। ब्रह्मा ने उन्हें प्रेरित किया और आशीर्वाद दिया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा श्लोक द्वारा रचकर एक काव्य का निर्माण करें। और इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि द्वारा संस्कृत के पहले श्लोक की उत्पत्ति हुई और रामायण महाकाव्य का निर्माण भी संभव हुआ। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के रामायण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला, महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण काल के थे और श्री भगवान राम से मिले भी थे, इसीलिए बहुत लोग वाल्मीकि रामायण को ही सटीक मानते हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक के प्रारंभ के शब्द को यदि जोड़ा जाए तो गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। श्री राम के त्यागने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही माँ सीता को अपने आश्रम में स्थान देकर उनकी रक्षा की थी। वहीं माता सीता ने लव तथा कुश को जन्म दिया एवं महर्षि वाल्मीकि ने ही उनकी शिक्षा दीक्षा की। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला वह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही निकला था। यह बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी। उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि ने ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की थी। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का जीवन चरित्र दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल निश्चय का सुंदर मिश्रण है। लूटपाट करने वाले एक डाकू से महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले परम ज्ञानी तपस्वी वाल्मीकि बनने तक का सफर अत्यंत प्रेरणादायक है। वाल्मीकि जयंती के दिन पर वाल्मीकि पंथी गण भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके वाल्मीकि कथा का प्रसार भी करते हैं। जीवन में किए गए सत्कर्म और पाप कर्म का फल प्राणी को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जन्म और लालन पालन कहाँ होगा यह मनुष्य के स्वयं हाथ में नहीं होता। ज्ञान दर्शन हो जाने पर पाप कर्म त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाने से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो एक आम इंसान भी दुष्कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन सकता है। पश्चाताप की राह कठिन होगी, पर एक बार पाप नष्ट होने पर जीवात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि होती है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सच्चा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परंतु यदि हमारा हृदय निर्मल है
तो परमात्मा हमें अपने जीवन में सफल जरूर करेंगे। पाप का मार्ग आसान होता है लेकिन कष्टकारी होता है, उसका अंत अत्यंत दुखद होता है। हमारे पापों का कोई सहयोगी नहीं होता, सभी हमारे पुण्यों के सहयोगी होते हैं। इसीलिए जितना हो सके पुण्य कमाइए, सदाचारी बनिए, कल्याणकारी बनिए, परहित पर सुखाए में विश्वास रखिए। जय हिंद।